तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा WHM का पैनल यहाँ पर ओपन हो चुका है और सिंपल यहाँ पर हम यूज़र नेम डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड हम डालेंगे। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि यहाँ पर जो WHM का पासवर्ड है वो जब हमने पुट्टी का पासवर्ड हमने बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम चलिए पुट्टी वाला पासवर्ड डाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस तरह से हमारा सर्विस कॉन्फ़िगरेशन है, सपोर्ट है, या बाएं तरफ देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर हैं। तो हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर हम एक न्यू यूज़र यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिस्ट अकाउंट है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वहाँ पर यहाँ पर उसकी लिस्ट मिलेगी। तो सिर्फ सबसे पहले हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा डोमेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डोमेन नेम टाइप कर लेते हैं, geofiveg.store। और हम यहाँ पर चलिए हम डाल लेते हैं यूज़र नेम और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल लेते हैं। आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर पासवर्ड आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं मैनुअली डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक ईमेल डाल ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में कुछ भी नहीं करना है और पैकेज नहीं चूज़ करना है, पैकेज आपको नॉर्मल रखना है। और यहाँ पर देखिए रिसेलर सेटिंग, यहाँ पर मैक रिसेलर अकाउंट्स यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने यहाँ पर ये अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमारा सी पैनल तैयार हो चुका है वर्क करने के लिए, ठीक है। तो हमें अपने एप्लीकेशन के लिए सी पैनल चाहिए था WHM के माध्यम से। तो सिंपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गो बटन है सिंपल, तो यहाँ पर गो बटन पर हम क्लिक करेंगे और हमारा सी पैनल यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। तो हमारा यहाँ पर सी पैनल लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फाइल मैनेजर है जिसमें हम अपनी फाइल को रखेंगे। यहाँ पर हमारा PHP माई एडमिन है और MySQL डेटाबेस है। तो अब हम नॉर्मल तरीके से सब कुछ यहाँ पर अपना फाइल को अपलोड करेंगे और PHP माई एडमिन और MySQL डेटाबेस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर को यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर public_HTML का फोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो वेब API का जो सारा फाइल है यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। तो इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो फाइल मैनेजर है यहाँ पर बिल्कुल ओपन हो चुका है। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा न्यू फोल्डर है, इसको हम सिंपल क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एडमिन पैनल का जो फाइल है यहाँ पर फोल्डर है ये यहाँ पर है, PHP के API है यहाँ पर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए API है, ठीक है, और यहाँ पर टिक टिक API, इसको हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर कुछ फाइलें हैं, इसको हम यहाँ पर इसको बैक करते हैं और इसको zip में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐड टू आर्काइव और यहाँ पर zip फोल्डर में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ये कुछ ही देर में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इस API को हम अपलोड कर देंगे फाइल मैनेजर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो API वाला फोल्डर था ये अब हमारा zip फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए फाइल मैनेजर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये फाइल मैनेजर है हमारा सी पैनल का, इसको हम सिंपल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद PHP_HTML को क्लिक कर लेते हैं और इसको यहाँ पर इस zip फाइल को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अपलोड, यहाँ पर देखिए अपलोड है और सिंपल यहाँ पर हम इसको सीधे अपलोड कर लेते हैं और यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है। अब हम इसको बैक करते हैं और हमारा देखिए एक और फोल्डर है यहाँ पर एडमिन पैनल का है, ठीक है। तो इस एडमिन पैनल को हम यहाँ पर लिखते हैं
पोर्टल, ठीक है, इसको पोर्टल करते हैं और इसको हम यहाँ पर ऐड टू आर्काइव करते हैं और जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं। और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो रहा है। अभी जैसे ही ये कन्वर्ट होता है, इसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। तब यहाँ पर देखिए 66.43 MB का यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है और ये दूसरा ये ज़िप हो रहा है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम अपलोड कर लेते हैं। चलिए हम इसको भी ले करके यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो ये दूसरी फाइल भी यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गई। तो हमारा यहाँ पर मेन काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और ये थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये अपलोड होने में थोड़ा सा समय ले रहा है। और देखिए 50% यहाँ पर API वाला फोल्डर हो चुका है, पोर्टल डॉट ज़िप फोल्डर हमारा ये अपलोड हो चुका है। ये मात्र 4.45 MB का था जो कि कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और एक एक पग के साथ मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आप किसी का भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जो मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि अगर किसी डेवलपर के माध्यम से यदि आप करवाते हैं तो वो लोग आपसे 2000, 3000, 5000, 8000, 10000 इस तरह से आपसे चार्ज करेंगे और काम बहुत छोटा सा, ठीक है। तो आप सिंपल इसको फॉलो करते रहिए, देखिए आपका चुटकियों में काम होता रहेगा। और यदि आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दूंगा। तो अभी ये 76% और फ्रेंड्स देखिए ये 92% हो गया है। जब तक ये दोस्तों अपलोड होता है, चलिए हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं। हमारा जो होस्टिंगर का जो हमारा डोमेन था जो हमने रजिस्टर किया था, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा उसमें कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो ये देखिए 98%, 99%, यहाँ पर ये 100%। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 100% अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर गो बैक यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर गो बैक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर API.zip फाइल और यहाँ पर portal.zip फाइल, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अनजिप करेंगे यानी कि एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट किया, अब ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और हम पोर्टल को भी इसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और इन दोनों फोल्डर्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है CGI_bin, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो यहाँ पर API को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इतनी सारी फाइलें आती हैं। और जब हम यहाँ पर इसको बैक करते हैं और पोर्टल यहाँ पर आ चुका है, तो पोर्टल में जितनी भी सारी फाइलें हैं ये सभी आ चुकी हैं। और यहाँ पर बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद देखिए यहाँ पर है MySQL डेटाबेस। MySQL डेटाबेस में सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया डेटाबेस बनाएंगे। तो हम यहाँ पर डेटाबेस बनाते हैं TIC, और यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर ये, अगर आप डेटाबेस को चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। हमने डेटाबेस बनाया और अब हम सिंपल एक यूज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर यूज़र बनाते हैं TIC ऐप, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड बना लेते हैं। छोड़िए पासवर्ड यहाँ पर जनरेट पासवर्ड, सिंपल इसको कॉपी करते हैं, कैंसिल करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं और क्रिएट यूज़र पर क्लिक करते हैं। और इस पासवर्ड को हम नोटपैड में इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको सेव किया, मिनिमाइज़ किया, सॉरी द रिक्वेस्ट फेल्ड, किसी वजह से ये एरर आया है, तो हम इसको फिर से कर लेते हैं। चलिए हम हेलो यहाँ पर हम एक जनरेट करते हैं एक पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड इसको कॉपी किया, ठीक है, यूज़ दिस पासवर्ड एंड क्रिएट। तो यहाँ पर हमारा यूज़र हमारा तैयार हो चुका है। हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने पासवर्ड बदल दिया, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं।
और अब देखिए हमारा यहाँ पर नया डेटाबेस बन गया है और हमारा यूज़र बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों यूज़र और डेटाबेस दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर ऑल प्रिविलेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेक चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और गो बैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, डेटाबेस और यूज़र दोनों एक दूसरे से ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पर देखिए माई एसक्यूएल डेटाबेस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा यूज़र जो हमने बनाया था, यहाँ पर यूज़र आ चुका है और हमारा यहाँ पर डेटाबेस आ चुका है। पासवर्ड हमने नोटपैड में यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखिए हम बैक करेंगे, फाइल मैनेजर में चलेंगे हम सिंपल यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ पर PHP अंडरस्कोर HTML में आएंगे, यहाँ पर API के अंदर चलेंगे। API के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम इसको एडिट करेंगे। कौन सा फाइल है देखिए ध्यान रखिएगा, config.php, इसको हम सिंपल यहाँ पर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ आपको सेटिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिंग्स है देखिए, यहाँ पर है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पिछले टैब में आ करके यहाँ पर PHP MySQL डेटाबेस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो यूज़र था हमने बनाया था उस यूज़र को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम यूज़र को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यूज़र को हमने यहाँ पर पेस्ट किया और हमने जो पासवर्ड यहाँ पर हमने जो नोट करके रखा हुआ था नोट पैड में, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और बाकी सेटिंग्स है जो कि हम बाद में करेंगे, सिर्फ इतना अभी फ़िलहाल में करते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं और इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो हम सी पैनल में वापस चलते हैं। तो सिंपल फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर फाइल मैनेजर में जा करके जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन था हमने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हम सिंपल होस्टिंगर की वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर हमारा डोमेन है, इसको हम सिंपल लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए देखिए हम यहाँ पर साइन अप पर, यहाँ लॉगिन पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर जीमेल के थ्रू हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, जहाँ पर आप देख सकेंगे कि बहुत ही आसानी से हमारा वहाँ पर डोमेन है। तो वहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर geofivez.store, यहाँ पर हम मैनेज बटन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखिए होस्टिंगर की वेबसाइट में यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से और हमारा ये डोमेन है geofivez.store। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम DNS जोन पर क्लिक करते हैं। DNS जोन पर यहाँ पर हमने क्लिक किया और WHM में आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो IP एड्रेस है, सिंपल हम नेम सर्वर को नो अपडेट करके यहाँ पर हम IP एड्रेस को पॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा IP एड्रेस है, सिंपल हम इस IP एड्रेस को क्लिक करते हैं और यहाँ पर होस्टिंगर में आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ही देर में ये IP एड्रेस, यानी इस IP एड्रेस पर ये डोमेन पॉइंट करने लगेगा। लेकिन आपके केस में आपको अगर नेम सर्वर अपडेट करना है तो यहाँ पर डोमेन मैनेजमेंट में आ पाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर NS1 करके है और NS2 करके है, यहाँ पर आप नाम डालिए और यहाँ पर सिंपल अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका सिंपल आपका जो डोमेन है उस नेम सर्वर पर, यानी कि उस IP पर पॉइंट करने लगेगा। हमारा यहाँ पर ये काम हो चुका है। अब हम चलते हैं सिंपल फाइल मैनेजर में और यहाँ पर देखिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML पर हमने डबल क्लिक किया। उसके बाद API पर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए config.php फाइल है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम एडिट करेंगे, फिर से एडिट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब API पाथ, तो हमें सिंपल यहाँ पर अपना API का पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो डोमेन है यहाँ पर डोमेन को लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे geofivez.store। ठीक है, हमें सिंपल यहाँ पर इतना काम करना है। अभी यहाँ पर देखिए कुछ फायरबेस के बारे में यहाँ पर डिटेल्स है, तो यहाँ पर इसको भी हमें अभी यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम फायरबेस पर चलते हैं अपने, यानी कि फायरबेस पर क्लिक करते हैं।
तो आप अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है फायरबेस में, तो आपको फायरबेस में एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम गो टू कंसोल पर क्लिक करते हैं। गो टू कंसोल पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा सिंपल, और आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम डालना पड़ेगा। ठीक ठीक अब हमने यहाँ पर डाला, यहाँ पर हमने इसको कंटिन्यू किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इसको चाहे तो डाल सकते हैं, मैं तो यहाँ पर डाल रहा हूँ। टिक टिक ऐप यहाँ पर सेव करेंगे हम यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे, और ये हमारा प्रोजेक्ट फायरबेस में क्रिएट हो रहा है। दोस्तों ये प्रोसेस ज़रूरी है, तभी आप लॉगिन पर कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, और यहाँ पर हम सिंपल देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए ये एंड्रॉयड है, यहाँ पर हम एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए com.company.appname, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अपना ऐप को, ऐप का जो पैकेज नेम है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अभी कट करते हैं और सिंपल सेटिंग्स में चलते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग में चलते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में चलने के बाद यहाँ पर देखिए क्लाउड मैसेजिंग है, क्लाउड मैसेजिंग में देखिए यहाँ पर सर्वर की है, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। उसके बाद हम अपने सी पैनल में आते हैं। ठीक है, सी पैनल में आते ही यहाँ पर देखिए लिखा है फायरबेस सर्वर के हेयर, इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। इतना हमें काम करना है, और उसको यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद सिंपल फिर से हमें आना है अपने फाइल मैनेजर में। ठीक है, हम यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पर पोर्टल पर डबल क्लिक करते हैं। पोर्टल में आने के बाद यहाँ पर config.php पर हम दोबारा से यहाँ पर फिर से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर API URL, ठीक है, तो यहाँ पर API URL हमें यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा geofiveg.store, और यहाँ पर इसको हम सेव करेंगे, और नीचे इधर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसको क्लोज़ कर देना है। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये अभी वर्क कर रहा है कि नहीं, geofiveg.store। तो हम यहाँ पर सिंपल पोर्टल पर क्लिक करते हैं। तो पोर्टल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये मेरा जो ये हमने पोर्टल नाम का एक फोल्डर बनाया था, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रन कर गया है। ठीक है, बैक करते हैं, API पर क्लिक करते हैं। तो API में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्वर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, zip PHP extension allow URL, ठीक है, ओपन, इस तरह से ये दो एरर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़ और पोस्ट मैक्सिमम फाइल साइज़, यहाँ पर इसको हमें बढ़ाना है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा, तो इसकी हमें सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो हमें सिंपल वापस से सी पैनल में चलना पड़ेगा। सी पैनल में जाने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़ कहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको ढूंढ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगर php.ini फाइल है, ये इसकी बेसिक सेटिंग्स है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें देखिए मेमोरी लिमिट यहाँ पे 32 MB है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़, अपलोड पोस्ट मैक्सिमम फाइल साइज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको बढ़ाना है, तो चलिए हम इसको बढ़ा लेते हैं। तो अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़ यहाँ पर 2 MB है, इसको हम कर लेते हैं 128 MB, एंड पोस्ट मैक्सिमम फाइल साइज़ इसको हम कर लेते हैं 125 MB, ठीक है, इतना हम कर लेते हैं रैंडमली, एंड देन इसको हम अप्लाई करते हैं, और इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा ये एरर, यहाँ पे दो एरर यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है। एक और एरर यहाँ पर है FFmpeg वर्ज़न का, ठीक है, बिना इसके आप अपने एप्लीकेशन में वीडियो को प्ले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इसको भी करना है, तो फिलहाल में इसको हम देख लेते हैं।
इसको रन करने के लिए हमें सिंपल WHM के पैनल में आना पड़ेगा, और यहाँ पर आप बाएं साइड में देख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा। टर्मिनल पर सिंपल क्लिक करेंगे, एंड आई अंडरस्टैंड एंड वॉन्ट टू प्रोसीड। ठीक है, हमारा यहाँ पर टर्मिनल आ चुका है। अब यहाँ पर हम अपने कमांड को यहाँ पर फायर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, FFMPEG। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक टिक, यहाँ पर इस वेबसाइट को खोलेंगे कोड कैनन की, और यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम सिंपल FFMPEG को यहाँ पर लोड करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें बताया गया है कौन सी वेबसाइट है, हम उसको देखते हैं। चलिए हम सिंपल सर्च कर लेते हैं, इंस्टॉल FFMPEG लेटेस्ट वर्जन CentOS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हम ओपन कर लेते हैं ये वेबसाइट्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है sudo yum install। ठीक है, इसको हम सिंपल कॉपी करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये पहला कमांड है। ठीक है, सिंपल हम इसको क्लिक करते हैं, और हम यहाँ पर WHM में आते हैं, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये कमांड देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है यस, तो यस कर देते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा कमांड है sudo। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं, और यहाँ पर भी यस पूछ रहा है तो यस कर देते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा तीसरा कमांड है sudo yum install FFMPEG, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो हम कमांड फायर कर रहे हैं, ये हमारा जो टर्मिनल है, ये आप पुट्टी में भी आप लॉगिन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो FFMPEG है ये इंस्टॉल हो चुका होगा। ठीक है, अभी देखिए ये चल रहा है इसका प्रोसेस, थोड़ी ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड फायर करके ये चेक करेंगे कि हमारा इंस्टॉल हुआ या नहीं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये प्रोसेस थोड़ा आपको हो सकता है कि लंबा लगे, लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को भी प्रॉपर तरीके से होस्ट कर सकते हैं, वो भी जो अमेज़न का जो सर्वर होता है काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे यस पूछा जा रहा है तो वाई करते हैं, और यहाँ पर ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो नेक्स्ट कमांड है FFMPEG-version, इसके थ्रू हम जानेंगे कि हमारा इंस्टॉल हुआ तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ज़न है FFMPEG का, यहाँ पर 3.4.8 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉपीराइट 2000 से लेकर 2020 तक FFMPEG डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, और हमने आपको इसका वर्ज़न भी दिखा दिया। उसके बाद हम चेक यहाँ पर एक और कमांड फायर करेंगे, FFMPEG। यहाँ पर देखिए, हमारा जो FFMPEG है, यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देखेंगे इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर FFMPEG का जो वर्ज़न है यहाँ पर दिखाने लगा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो एरर है, इन दो एरर से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आपका वीडियो प्रॉपर तरीके से रन करने लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का जो वीडियो होता है, किसी का वीडियो अपलोड नहीं होता, ठीक है, और किसी का वीडियो प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यदि आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका वीडियो प्रॉपर तरीके से रन करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस पोर्टल को यहाँ पर एक्सेस करना है, तो यहाँ पर स्लैश
PORTL पोर्टल, पोर्टल पर जब क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट ईमेल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे admin@admin.com, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे 123456 और यहाँ पर हम सिंपल इसको लॉगिन करेंगे। तो अभी यहाँ पर लॉगिन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसके जो MySQL डेटाबेस के अंदर हमने फ़ाइल को अपलोड नहीं किया हुआ है। तो हम फाइल को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सी पैनल है, सी पैनल पर सिंपल क्लिक करेंगे। सी पैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं PHP MyAdmin, यहाँ पर देखिए PHP MyAdmin, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आपका PHP MyAdmin यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है, यहाँ पर डेटाबेस हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। इम्पोर्ट पर हम सिंपल क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपल हम यहाँ पर चूज़ फाइल और हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर देखिए हमने एक फोल्डर बनाया हुआ था, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर के अंदर देखिए PHP API पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टिक टिक ठीक है .sql फाइल है, इसको हम सिंपल इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पूरी तरीके से इम्पोर्ट हो चुका है। इसके अंदर जितने भी टेबल्स बाएं तरफ देख सकते हैं आप आ चुका है। और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक बार और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद सिंपल यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट ईमेल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे admin@admin.com, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे 123456 और यहाँ पर हम सिंपल इसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमारा ऑल यूज़र, यहाँ पर प्रोफाइल वेरिफिकेशन आ चुका है, ऑल साउंड आ चुका है, ऑल वीडियोज़ आ चुका है, डिस्कवर सेक्शन आ चुका है, चेंज पासवर्ड आ चुका है, लॉगआउट, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल देखिए जितने भी वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है, यहाँ पर उनका डिटेल्स यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन के अंदर यहाँ पर 3 डॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस 3 डॉट पर यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी यूज़र को यहाँ पर डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड में आप जब आएंगे तो चेंज पासवर्ड में आप सिंपल यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 123456 है, अब हम यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालेंगे 456123, ठीक है। फिर से हम पासवर्ड डालेंगे 456123 और यहाँ पर अपडेट पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है, सक्सेसफुल सेव्ड, तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए हम इसको लॉग आउट करते हैं और दोबारा से हम इसको हम लॉगिन करते हैं admin@admin.com, ठीक है। और यहाँ पर 456123 और यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर वेब API का काम, यानी कि हमारा जो पोर्टल वाला काम था, हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हम एप्लीकेशन पर काम करेंगे। तो एप्लीकेशन पर काम करने के लिए दोस्तों आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से अपने सोर्स कोड को वहाँ पर किस तरह से एडिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, किस तरह से हम उस पर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।